हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर हूं और मेरे पास काफ़ी क्लब्स का एक्सपीरियंस है। आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये मैं खुद का एक्सपीरियंस, खुद का नॉलेज, मेरे काफ़ी सारे कोचेज और काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ कनेक्शन है और साथ ही साथ मेरे सोर्सेस, उनके हेल्प से मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा, ये पॉइंट्स आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कोच एक प्लेयर में चार चीज़ें देखता है, ठीक है, फोर पॉइंट्स है, और उन फोर पॉइंट्स के अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज भी हैं। तो आप ज़रूर मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है टेक्निकल एबिलिटीज़। टेक्निकल एबिलिटीज़ में पाँच चीज़ें आती है जिन चीज़ों पर आपको अच्छा होना चाहिए अगर आप एक कोच को चाहते हैं इम्प्रेस करना। सबसे पहली चीज़ होती है बॉल कंट्रोल, दूसरी चीज़ होती है पासिंग, तीसरी चीज़ होती है ड्रिबलिंग, चौथी होती है फिनिशिंग, और पांचवा होता है हेडिंग। ओके फ्रेंड्स, टेक्निकल एबिलिटीज़ में ये पांच से छह पॉइंट्स आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बॉल कंट्रोल, पासिंग, रिसीविंग, ड्रिबलिंग, हेडिंग, फिनिशिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब टेक्निकल एबिलिटीज़ में आती हैं। इन पाँच छः पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो टेक्निकल एबिलिटीज़ के बाद आता है वो होता है टेक्टिकल अवेयरनेस। ओके, टेक्टिकल अवेयरनेस में तीन सब कैटेगरी आती है। ठीक है, सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है प्लेयर नॉट इन पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब आपके पास बॉल नहीं है तब आप क्या करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो होता है ओवरलैप। ठीक है, अगर आपके टीम के पास बॉल है, ठीक है, तो आप ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सपोर्ट, जब आपके टीम के पास बॉल है तो आप सपोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फिर डायगोनल रन्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्रॉस ओवर रन्स, ठीक है, क्रॉस ओवर रन होता है वो आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये सब तीन चार पॉइंट्स हैं जो प्लेयर नॉट इन पोजीशन में आता है। ठीक है, और ये है टेक्टिकल अवेयरनेस में। पहला सब कैटेगरी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा सब कैटेगरी है वो है प्लेयर इन पोजीशन। इसका मतलब होता है आपके पास जब बॉल है, ठीक है, जब आपके पास बॉल है तब आप क्या करते हैं बॉल के साथ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे कि पेरिफेरल विज़न, आप अपने पेरिफेरल विज़न का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर जब उनके पास बॉल रहता है तो बस नीचे देखते हैं, ठीक है, बस बॉल पे ध्यान रहता है, लेकिन आपको अपने पेरिफेरल विज़न का यूज़ करके आपके टीममेट्स को, अपने ओपोनेंट्स को देखना है। ठीक है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं वो देखता है कोच। उसके बाद पेनिट्रेटिंग विज़न, ठीक है, आपका विज़न पेनिट्रेटिंग है कि नहीं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है आप कितना दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं बॉल को, या फिर कितना दूर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना, आपका टीममेट कितना दूर पे है आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग विज़न, मतलब सबसे दूर वाला प्लेयर आपको पता है कि वो वहाँ पे है, इस पोजीशन में है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग विज़न, वो आपके पास है कि नहीं। उसके बाद है शील्डिंग और ड्रिबलिंग विद बॉल। जब आपके पास बॉल है, आप जब ड्रिबल कर रहे हैं तो आप बॉल को शील्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका शील्डिंग कैसा, आपका ड्रिबलिंग कैसा है, वो भी चीज़ें देखता है। उसके बाद प्लेइंग वन टूज, इसका मतलब आप टिकी टाका गेम खेल रहे कि नहीं खेल रहे, आप पास कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वन टूज खेल रहे कि नहीं खेल रहे अपने प्लेयर के साथ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे प्लेयर के साथ फंस जाते हैं, बॉल लेकिन निकल नहीं सकते हैं, ड्रिबल नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होता है, वन टूज खेलना होता है। ठीक है, अपने प्लेयर के साथ, वो होता है वन टूज। अब बात करते हैं तीसरे सब कैटेगरी की, वो है इन डिफेंस, यानी कि जब आपके ओपोनेंट के पास बॉल है तब आप डिफेंसिव रोल निभाएंगे। तो आपको डिफेंसिव रोल्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है डिज़ायर टू रिगेन पोजीशन। ठीक है, डिज़ायर टू रिगेन पोजीशन, आप कितने डिजायरेबल हैं, आपको बॉल चाहिए, मतलब आपकी टीम के लिए आप बॉल विन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मार्किंग ओपोनेंट्स, आप ओपोनेंट्स को मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ओपोनेंट के पास बॉल चला गया तो आप रिलैक्स तो नहीं हो गए, आप लेजी तो नहीं हो गए, क्या आप बॉल विन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब भी कुछ ध्यान देता है। उसके बाद है पोस्चर ऑफ टैकल्स, जब आप टैकल्स करते हैं तो आपका पोस्चर कैसा है। ठीक है, हर टैकल करने से नहीं होता है, आपका पोस्चर कैसा है, आप टैकल करने के बाद कितनी जल्दी उठ के वापस आ रहे हैं, कितना जल्दी आप रिकवरी कर ले रहे हैं अपने पोजीशन का। ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्चर ऑफ टैकल्स, उस पर उसका ध्यान देता है कोच। उसके बाद होता है हाउ मच टाइम्स यू विन द बॉल। 90 मिनट्स के गेम में जब आपके ओपोनेंट के पास बॉल रहा तो आप कितनी बार बॉल को विन कर रहे हैं, वो भी एक कोच देखता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट जो एक कोच देखता है एक प्लेयर पे, वो होता है फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी चार से पांच पॉइंट्स हैं। ठीक है, चार से पांच सब कैटेगरीज हैं जो कोच ध्यान रखता है, जो आपको भी ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंड्योरेंस। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला जो पॉइंट होता है एंड्योरेंस। मैंने एंड्योरेंस पे स्टेमिना कैसे बढ़ाना है एक प्लेयर को, उसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो आई बटन में है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है।
उसके बाद दूसरा आता है स्पीड, ठीक है। अब स्पीड कैसे बढ़ाना है उसके लिए भी मैंने टिप्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आई बटन में दिख जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके जरूर एक बार चेक कर लें, ठीक है। स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है, एंड्योरेंस कैसे बढ़ाना है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फिजिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है एजिलिटी, ठीक है। एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुटबॉल गेम में, तो उसका भी ध्यान रखता है कोच कि आप कितने एजाइल हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, लास्ट सब कैटेगरी है, वो है स्ट्रेंथ, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपका मसल एंड्योरेंस कितना है, आपका मसल स्ट्रेंथ कितना है। तो ये तीसरा पॉइंट, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स के चार सब कैटेगरी थे, चार सब पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि एक कोच क्या देखता है एक प्लेयर में। जो चौथी चीज़ है जो प्लेयर में देखता है वो होता है एटीट्यूड एंड पर्सनल ट्रेट्स। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि एटीट्यूड और पर्सनल ट्रेट्स कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर में होना, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि एटीट्यूड होना कितना ज़रूरी है एक प्लेयर को, ठीक है। तो वही चीज़ एक कोच देखता है कि एटीट्यूड कैसा है एक प्लेयर का। तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रूर आप देख लें, क्योंकि एटीट्यूड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटीट्यूड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। तो उन सब पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है ड्राइव। ड्राइव के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि उसमें आता है विल पावर, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, बर्निंग डिज़ायर, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आता है ड्राइव में। आप कितने ड्राइव है अपने गोल को लेके, अपने एम को लेके, ठीक, वो दिखता है, वो एटीट्यूड देखता है कोच। उसके बाद है एग्रेसिवनेस। कभी कभी आपको एग्रेसिव भी होना पड़ता है, ठीक है। आप सिंपल गेम नहीं खेल सकते हमेशा, आपको कभी कभी एग्रेसिव भी खेलना पड़ता है अपनी टीम के लिए, ठीक है, एग्रेसिव होना पड़ता है, तो वो एटीट्यूड भी देखता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है इंटेलिजेंट, ठीक है, रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है अपनी टीम के लिए। उसके बाद है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप होना भी बहुत ज़रूरी है एक फुटबॉल गेम में, ठीक। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल टफनेस, ट्रस्टफुलनेस, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया है, जो मेरे प्लेयर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कोचेज हैं, उन लोगों से मैंने बात किया, तब ये चार पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके अंदर सब कैटेगरीज आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं, जो हमेशा मुझके पूछते रहते हैं कि कैसे हम ट्रायल में सेलेक्ट हो, ठीक है, कैसे हम कोच को इम्प्रेस करें। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं ट्रायल के रिलेटेड, ठीक है। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें एक बार, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में, अगर हो सके तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मुझे इतना आता नहीं है यूट्यूब में, इतना मैं एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, या फिर सोशल मीडियाज़ में भी इतना मैं एक्टिव नहीं रहता, लेकिन ज़रूर अगर आपको बात करनी है मुझसे तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वहाँ जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कुछ भी है, कुछ भी बात करनी है आपको, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ फुटबॉल ट्रायल के अपडेट्स अगर आपको सबसे पहले चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। मैंने फेसबुक पे एक ऑलरेडी एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, जहाँ पे मैं सबसे पहले डालता हूँ जितने भी ट्रायल्स आते हैं। तो आप वहाँ पे अगर एक्टिव रहेंगे, वहाँ पे अगर मुझे आप फॉलो कर लेते हैं, या फिर उस ग्रुप को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रायल के अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो ज़रूर आप उसको एक बार चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से, सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, या फिर अगर आपने नहीं किया है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।